ये कहने में हमें शर्म आएगी आने वाले कुछ दिनों में, अगर इस पर मुख्यमंत्री स्तर से या शिक्षा मंत्री स्तर से अब कार्रवाई नहीं होती है तो यह उच्च शिक्षा बिहार का गर्क में चला जाए। आप सभी की ओर से प्रोफेसर साहब संजय कुमार त्रिपाठी जी को ढेर सारी बधाई शुभकामना कि आपने भोजपुर दर्शन को समय लिया। वैसे इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो कलकत्ता से प्रारंभ हुआ, लेकिन स्नातक और स्नातकोत्तर पटना विश्वविद्यालय से करने के उपरांत वीरकुंवर विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में PhD किया और वर्तमान में रोहतास जिला के नवहट्टा में अनुमंडलीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के रूप में अभी सेवारत हैं। वैसे तो आपको बता दें कि संजय कुमार त्रिपाठी जी जैन कॉलेज में भी अंग्रेजी यानी इंग्लिश विभाग में 2019 जुलाई तक इन्होंने सेवा अपना दिया है। सीनेट के सदस्य के रूप में अभी भी हैं और इसके अलावा परीक्षा समन्वयक के पद पर भी वीरकुंवर विश्वविद्यालय में कार्य कर चुके हैं। आपके हर प्रश्न को उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं प्रोफेसर संजय कुमार त्रिपाठी जी। संजय जी, प्रोफेसर साहब, आप तो हमारे भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों के लिए बहुत अच्छा समय आपने दिया। सबसे पहले आप तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, वर्तमान परिवेश में वीरकुंवर विश्वविद्यालय की स्थिति के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपका चैनल जो है हमको मनीष पात्र समझा कि आप हमसे अंतरिक्षा लेने आए हैं। ठीक है, सबसे अहम बात यह है कि अभी वर्तमान परिवेश में वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय बहुत ही गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है। विश्वविद्यालय के अंदर भ्रष्टाचार जो है वह इस कदर हावी है कि इसको मैं शब्द में नहीं कह सकता। यह विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है, आप देखे होंगे कि जब विश्वविद्यालय परिसर में आप प्रवेश करते हैं तो वीर बांकुड़ा बाबू वीरकुंवर सिंह की जो प्रतिमा लगी है, तो वह प्रतिमा को मैं अब वर्तमान परिवेश में यह सोचने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि क्या वह प्रतिमा जो है वह यह इसलिए लगाई गई है कि कोई भ्रष्टाचारी इस प्रांगण में प्रवेश नहीं करेंगे, या अब हमको यह समझ में आ रहा है कि उस प्रतिमा को अब वह प्रतिमा अब यह इंगित कर रहा है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर, इस प्रांगण के अंदर भ्रष्टाचार करो, हम तुम्हारी रक्षक हैं। यह दो ही बात आ रही है, बहुत गंभीर बात आ रही है कि जिस व्यक्ति के, जिस महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी सेनापति बाबू वीरकुंवर सिंह के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और जिस कदर अभी जो शैक्षणिक माहौल और अराजकता है उससे हम बाबू वीरकुंवर सिंह को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उन पर आज जांच कमेटी बनाई गई है पिछले 6 महीना से, आज तक वह जांच रिपोर्ट जमा नहीं किया गया और वह अवकाश पर हैं। ठीक है, दुर्भाग्य यह बात है कि अगर हम ये पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि क्या वो ऐसा रिपोर्ट है, कौन सी वैसी जांच हो रही है जो आज तक वह जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि जांच अभी जो चल रही है और उसमें जो जांच करता है वही व्यक्ति अभी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। जैसे मैं आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति SP सिंह साहब हैं, वह बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति हनुमान पांडे जी हैं, इन्हीं लोगों पर अभी भ्रष्टाचार का इतना अधिक आरोप है जिसको कि अभी निगरानी विभाग जांच कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात कि इनके साथ इस तरह का जोर जबरदस्ती किया गया कि इनको फोर्स लीव में भेजने के बाद तत्कालीन कुलपति राजेंद्र प्रसाद जी जो अभी भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, जिनके घर से करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति प्राप्त हुई है, अवैध संपत्ति, उनको यहाँ पर तत्कालीन कुलपति का प्रभार दिया गया और राजभवन से इस तरह का कोई भी डायरेक्शन नहीं था कि श्रीमान DP तिवारी जी के वेतन को रोकना है।
लेकिन उन्होंने आकर के और यहाँ के कुछ पदाधिकारियों के साथ मिल करके उनके वेतन को रोक दिया गया है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। यानी प्रोफेसर साहब, आपके नजर में केवल जो कुलपतियों को लेकर जो अटकले है या जो भी बातें सामने आ रही है, इसी को आप भ्रष्टाचार मानते हैं या इसके अलावा भी कुछ कहना चाहेंगे? करता हूँ। देखिए, आप अपने घर के अगर अभिभावक हैं और आप ही जब भ्रष्ट हो जाएंगे तो आपके बच्चे और पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? तो जो सेनापति है, जो कमांडर है, वही अगर गलत है तो सैनिकों की क्या स्थिति होगी? महोदय, आप, मैं तो निगर आपके चैनल के माध्यम से यह अनुरोध करता हूं निगरानी विभाग को, स्पेशल विजिलेंस यूनिट को, कि इस विश्वविद्यालय में भी छापामारी किया जाए और तब पता चलेगा यहाँ किस किस तरह का भ्रष्टाचार होता है। या ऐसा भी है कि विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में अयोग्य शिक्षक या कर्मचारी भी वैसा लोग हैं, या मतलब क्या सारे झुके हैं आपके नजर में? देखिए, किसी इंसान का चरित्र दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है कि वह इंसान इंसान से जुड़ता है, ठीक है, और एक होता है कि वह इंसान इंसान से नहीं जुड़ता है, उसकी कुर्सी से जुड़ता है, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ अभी ऐसे पदाधिकारी हैं, जब तत्कालीन कुलपति माननीय डीपी तिवारी साहब इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे तो उनको लोग बाबूजी कहते थे, उनके पुत्र बने हुए थे, और जैसे ही हटे उसके बाद उनको लोग मंच से गाली भी देना शुरू कर दिए। तो वो अयोग्य माने अधिक पदाधिकारी हैं, अगर उनकी जांच की जाए तो योग्यता नहीं रखते हैं, लेकिन वो विश्वविद्यालय में पद को सुशोभित करना, विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार को देखना है तो एफिलिएशन सेक्शन में जितने संबद्ध कॉलेज हैं वह काम धेनु गाय है, और देखा जाए, उसकी जांच कराई जाए, उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है और प्रताड़ित संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों को शोषण किया जा रहा है, क्योंकि वो पैसे उनके पास नहीं है कि वो दे पाएंगे, और वहाँ का मैनेजमेंट सक्षम है पैसा देने के लिए, और वह पैसा देकर मनचाहे ढंग से काम करा रहा है, और उन प्रताड़ित शिक्षकों के साथ न्याय नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य इसी बात की है। ये कहने में हमें शर्म आएगी आने वाले कुछ दिनों में, अगर इस पर मुख्यमंत्री स्तर से या शिक्षा मंत्री स्तर से अब कार्रवाई नहीं होती है तो यह उच्च शिक्षा बिहार का घर